अदर इमरजिंग व्यूज ऑन द स्टेट स्टेट जैसा कि हर स्टूडेंट के लिए जो उसकी बेस पोलिटिकल सोशोलॉजी है वो उसके लिए इम्पॉटेंट है स्टेट का एवोलूशन कैसे कैसे उसमें तब्दीलियाँ आई स्टेट के फंक्शनस की बेस पे स्टेट की ड्यूटीज़ क्या हैं आज कल स्टेट कहाँ स्टैंड करती है सो देयर आर सम इमरजिंग व्यूज ऑन द डिबेट रिगार्डिंग द स्टेट सो वन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल दैट इज़ रेशनल चॉइस थेरी एंड पोस्ट मॉडर्निज़म इसमें क्यों डिबेट है रेशनल चॉइस थेरी के अंदर बिकॉज इट इज़ आ इमरजिंग फिनिना स्पेसिफिकली यूज इन द डिबेट रिगार्डिंग द डिसीजन मेकिंग बाई द स्टेट विद स्पेशल रेफरेंस टू फॉरन पॉलिसी इश्यूज़ यानी स्टेट को जब अपनी एक्जिस्टेंस के कॉन्टेक्ट में कुछ फैसले करने पड़ते हैं तो स्टेट के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ रेशनल चॉइस थेरी को अप्लाई किया जाता है रेशनल चॉइस थेरी का मतलब ये है कि जो फैसला साज हैं वो कितने लॉजिकल फ़ैसले करते हैं उनके फैसलों में इस्तदलाल कितना है क्योंकि जब भी इस्तदलाल होगा इसका मतलब ये होगा कि अपने नफ़ा या नुकसान को मद्देनज़र रख कर फैसला किया गया है सो दैट इज स्पेसिफिकली रेलिवेंट टू द इंस्टिट्यूशन और द ऑर्गनाइजेशन ऑफ ब्यूरोसी क्योंकि जहाँ ब्यूरोसी में फैसले होते हैं ऐसे ही जहाँ पर जो रिप्रजेंटेटिव ऑफ पीपल जहाँ बैठते हैं हाओ दे मेक देयर डिसीजन दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट अप्रोच ऑप्टिड बाई दैम और नाट क्योंकि कोई भी मुल्क कोई भी स्टेट जिसे आज की दुनिया में एग्जिस्ट करना है उसे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है डोमेस्टिक फ्रंट पर भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अब फैसला साज अगर अक्ल की बुनियाद पर यानी अकल से मेरी मुराद ये है कि प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि स्टेट की कैपेसिटी क्या है स्टेट को एक्चुअली उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसकी बुनियाद पर वो अपने लिए पॉलिसी डिसीजन लेंगे वो पॉलिसी डिसीजन कितना रैशनल है यानी क्या देखा गया कि कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल हैं और उसमें से सबसे कम नुकसान किस चॉइस को ऑप्ट करने में है या सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस चॉइस को ऑप्ट करने में है ये रैशनल चॉइस थेरी कहलाती है और आजकल हर स्टेट जो है वो उसके डिसीजन मेकर्स जो हैं वो इस पॉलिसी को ऑप्ट करने की इस थेरी को फॉलो करने की एफर्ट करते हैं लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये महदूद है फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के साथ सो एन अदर परस्पेक्टिव इज पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू दे थिंग दैट पॉलिटिक्स इज एज डेड और रादर पॉलिटिक्स इज सीक्रेट और नाउ इवन देर आर समिकल इशूज आप ये समझ लीजिए कि जो पोस्ट मोटनिस्ट हैं दे बिलीव डैट पॉलिटिक्स इज़ सिक्रेट यानी सियासत जो है वो कभी सामने खुलकर तो मामलात या मकसद आ नहीं सकते कोई भी अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ओपनली अनाउंस नहीं करेगा इस वजह से क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है या इनके लिए क्या रेलिवेंट है दैट टू फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट वन थिंग दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट इज़ टू फॉलो और टू अचीव द टारगेट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट अब वो नेशनल इंटरेस्ट कैसे अचीव होना है उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है क्या स्ट्रैटी बनानी है किसने बनानी है ये इनके एरियाज ऑफ कंसर्न है सो बहुत रैशनल च्इस थेरी एंड पोस्ट मॉडर्निजम दे विल इंफ्लुएंस पोलिटिकल सोशोलॉजी इन वन वे और द अदर बट विल मोस्ट लाइकली बी कम्बाइंड विद रादर देन यूज एज आ रिप्लेसमेंट फॉर न्यू प्लोरिस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टेट स्टेंट्रिक अप्रोच अब हमने बहुत सारी डिबेट सुनी है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की इम्पोर्टेंस जो है कम हो रही है स्टेट डिक्लाइन हो रही है लेकिन आज अगर हम देखें कि जो बहुत सारे इमरजिंग व्यूज़ हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है वो क्या सोच रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक है जितने भी स्कूल ऑफ थॉट नए से नए राइज कर रहे हैं इन सब को अल्टीमेटली स्टेट सेंट्रिक अप्रोचेज़ को ही फॉलो करना है किस वजह से उनका ये क्लेम है उनका क्लेम इस वजह से है कि स्टेट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो लुक आफ्टर द पीपल है यानी वो लोग जो उस स्टेट की बाउंड्री के अंदर रहते हैं उनके मफादात का तहफ़ किसने करना है अल्टीमेटली वो तो स्टेट ने ही करना है और जब स्टेट ने उनको लुक आफ्टर करना है तो फिर स्टेट की अहमियत कभी भी डिक्लाइन नहीं कर सकती हाँ उसके अंदर वेरियस जो प्रैक्टिस हैं चेंजेस हैं ख़ास तौर पर जो डिबेट है वो तो चलती रहेगी लेकिन स्टेट सेंट्रिक अप्रोचेस जो हैं State centric focus to understand the nature of the existing politics that is important for all the political sociologists and for all the political scientists.